हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, और फिर लास्ट में फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी। ये सब डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नसरत फरूजा और तेलुगु अभिनेता वेलमकोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। वेलमकोंडा की पहली फिल्म अल्लूडू सीनु वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह वेलमकोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मार्क मेकर्स के बारे में, तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ महू मुखी अभिनेत्री नुसरत फरूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। वेलमकोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में, तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है।
वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहराम फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में अनेक साथ उनके साथ महू मुक्की अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का
भी इंतजार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कुंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कुंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कुंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनु वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कुंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मार्क मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कुंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार
नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडू सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है, जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मार्क मेकर्स के बारे में, तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ महू मुक्की अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है, जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में, तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि
फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ महू मुक्की अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर और ऋषिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया
दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है
और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडू सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है, जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मार्क मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंती लाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है, जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ
है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलमकोंडा साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलमकोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलमकोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है, जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में अनेक साथ उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलमकोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर और ऋषिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है, जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर
सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है, जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है, जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल
टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी में 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडू सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है, जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ महू मुक्की अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है, जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है।
वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में, तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कुंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कुंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कुंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कुंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है, जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में, तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में अनेक साथ उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कुंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल, आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है, जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से
मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में, तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है, जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में, तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है, जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द
घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में, तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो छत्रपति का हिंदी में 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडू सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है, जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में, तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ महू मुखी अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्नील आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है, जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस
दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में, तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है, जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में, तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में अनेक साथ उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है, जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे
समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में, तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है, जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार का स्टैंड मार्क मेकर्स के बारे में, तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्नील, आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है, जो श्रीलंका के एक
समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पुरीन समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडू सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है, जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टारकास्ट एंड मार्क मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ महू मुखी अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंती लाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी।
मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पुरीन समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में अनेक साथ उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो
छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है, जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में, तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है, जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में, तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और
अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडू सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मार्क मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ महू मुखी अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस
तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज
के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे।
निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंती लाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडू सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मार मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ महू मुखी अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल
आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंती लाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर
ऋषिका डेम वेदिका शिवम पाटिल स्वप्नील आशीष सिंह जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मार्क मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कोंडा और नुसरत के अलावा
साहिल वेद अमित नायर राजेंद्र गुप्ता मोहम्मद मुनाजीर ओरिशिका डे वेदिका शिवम पाटिल स्वप्निल आशीष सिंह जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मार्क मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेत्री नुसरत
फरुचा की जोड़ी बनाई। जयगीन वेलमकुंडम और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर और ऋषिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्नील आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक, हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंती लाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। वेलमकुंडा साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फारूचा और तेलुगु अभिनेता वेलमकुंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। वेलमकुंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह वेलमकुंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मार्क मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में अनेक
उनके साथ महू मुक्की अभिनेत्री सुर नुसरत फरूचा की जोड़ी बनाई। जयगीन बेलम कुंडाम और नुसरत के अलावा साहिल वेद अमित नायर राजेंद्र गुप्ता मोहम्मद मुनाजिर ओरिशिका डे वेदिका शिवम पाटिल स्वप्निल आशीष सिंह जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फरूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कोंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कोंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कोंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मार्क
मेकर्स के बारे में तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मोहम्मुक्की अभिनेत्री नुसरत फरूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कुंडम और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर और ऋषिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कोंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फरूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कुंडन साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कुंडम की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कुंडम साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है जिसे वीवी विनायक ने भी निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे
जनता से प्रशांतता मिली थी। बात करें मूवी के स्टार का स्टैन मार्क मेकर्स के बारे में, तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मोहमुखी अभिनेत्री नुसरत फरोचा की जोड़ी बनाई जाएगी। बेलम कुंडम और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर और ऋषिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंती लाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है, जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में, तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। बेलम कुंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति का हिंदी में रीमेक बनाया गया है। मास एंटरटेनर में दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म 30 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी और यह प्रभास के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। अब लगभग 2 दशक बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत फरूचा और तेलुगु अभिनेता बेलम कुंडा साई श्रीनिवास मुख्य भूमिकाओं में थे। रीमेक का निर्देशन प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक वीवी विनायक ने किया है। बेलम कुंडा की पहली फिल्म अल्लूडु सीनू वीवी विनायक द्वारा निर्देशित थी और यह बेलम कुंडा साई श्रीनिवास की दूसरी फिल्म है, जिसे वीवी विनायक ने भी
निर्देशित किया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जनता से प्रशंसा मिली थी। बात करें मूवी के स्टार कास्ट एंड मेकर्स के बारे में, तो छत्रपति हिंदी में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म में उनके साथ मोहमुखी अभिनेत्री नुसरत फरूचा की जोड़ी बनाई जाएगी। वेलम कुंडम और नुसरत के अलावा साहिल वेद, अमित नायर, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद मुनाजिर, ओरिशिका डे, वेदिका शिवम पाटिल, स्वप्निल आशीष सिंह, जेसन और अन्य जैसे कलाकार भी फिल्म में दिखाई देंगे। निर्देशक वीवी विनायक हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गडा फिल्म का निर्देशन करेंगे। मूल रूप से इस तेलुगु ब्लॉकबस्टर की कहानी राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और अब उन्होंने रीमेक की पटकथा भी लिखी है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो छत्रपति के हिंदी रीमेक का प्लॉट वही होगा जो मूल तमिल फिल्म के लिए था, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल फिल्म का प्लॉट एक माँ और उसके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमता है, जो श्रीलंका के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन पूरे समुदाय को गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस दौरान महिला अपने दत्तक पुत्र से अगली हो गई। कहानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और वह कैसे बढ़ता है, सभी बाधाओं को पार करता है, अपने परिवार से मिलता है और कैसे वह अपने समुदाय के लिए एक रक्षक बन जाता है। वही बात करें मूवी के टीजर एंड ट्रेलर्स के बारे में, तो छत्रपति के निर्माताओं ने डिजिटल टीजर रिलीज से पहले सिनेमाघरों में टीजर रिलीज कर सभी को सरप्राइज दिया है। साथ ही टीजर से साफ है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। टीजर में कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन सीक्वेंस है और श्रीनिवास अपनी तराशी हुई काया हो दिखाते हैं। टीजर से साफ हो है कि फिल्म एक्शन सीन्स और ड्रामा से भरपूर होने वाली है और टीजर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। अब लोग फुल लेंथ ट्रेलर के रिलीज होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अप्रैल 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है। वही बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो छत्रपति का हिंदी रीमेक 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। वेलम कुंडा, साई श्रीनिवास और नुसरत फारूचा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में विवरण दिया। दशहरा फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमाघरों में चलाए गए एक टीजर में फिल्म की रिलीज दिखाई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।